हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि लेवल अप तेजी से कैसे किया जाता है। आपको पता होगा कि इस बार जो आया है वो एक्सपी वीक एक तरीके से, और जिसमें हमें मैक्सिमम एक्सपी जो है वो मिलेगी, तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि वैसे तो मैंने इसके बारे में पहले वीडियो बना ली है, पर कुछ फ्रेंड्स हमारे अभी नए जुड़े हैं और उनके बार बार मैसेज आते हैं कि हमें एक बार एक्सपी के बारे में भी जानना है कि एक्सपी जो है वो तेज़ी से कैसे बढ़ी जाए। तो चलिए उसी की शुरुआत करते हैं। पहले हम यहाँ वैली में आ गए हैं, तो वैली से रिलेटेड काम कर लेते हैं। फ्यूल मैंने इस बार आज का ले लिया है, और आप देख रहे हैं कि इसमें पम्पकिन को ग्रो करने से, हार्वेस्ट करने से और इन सब चीज़ों से हमें मिलेगी, या फिर एनिमल्स को फीड कराने से हमें स्टार मिलेंगे, और बोट को रवाना करने से भी हमें मिलेंगे। तो मैं सबसे आसान तरीका जो भी है, मेरा फील्ड खाली है इसलिए मैं उसी को करने की कोशिश करूँगी। पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूँ कि जब मैंने आपको बताया था कि लेवल अप कैसे करें, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि वीटिंग, सबसे ज़्यादा अगर आप वीट लगाते हैं। मैंने आपको पहले भी एक दो बार कह चुकी हूँ मैं कि जब भी आप फ्री होते हैं, चाहे आधा घंटे के लिए हों चाहे 15 मिनट के लिए हों, जब भी कभी आप फ्री हों लगातार आप वीट लगाइए और हार्वेस्ट कीजिए। इससे क्या होता है, एक तो हमें एक्सपी बहुत ज़्यादा मिलती है। आप खुद भी कई बार देख चुके हैं मेरी वीडियोस वगैरह में कि मैंने कई बार वीट आपके सामने लगाए हैं और उनको हार्वेस्ट किया है, और उससे हमें बहुत ज़्यादा एक्सपी मिलती है। फिर दूसरी बात होती है कि हम इसको हेडे को रेगुलर खेलें। अगर आप रेगुलर खेलेंगे तो अपने आप आपका लेवल जो है बहुत तेज़ी से अप होगा। क्योंकि अगर आप रेगुलर खेलेंगे तो क्रॉप लगाएंगे डेली, और क्रॉप लगाने के साथ ही आप प्रोडक्शन मशीनों पर लगातार अगर आप प्रोडक्ट लगाते रहेंगे तो वो प्रोडक्ट जो है वो बनते रहेंगे और आप उनको सेल करते रहेंगे। प्रोडक्ट के बनने से भी हमें एक्सपी मिलती है, और दूसरी बात, प्रोडक्ट के लगातार बनाने से हमें मशीनों पे जो है वो भी मास्टरी हो जाती है, तो ये भी हमारे लिए एक फ़ायदेमंद साबित होता है। उसके बाद फिर हम देखें कि अगर और किस चीज़ से एक्सपी बढ़ती है, तो वो है ट्री लगाने से। ट्री के बारे में मैंने आपको एक बार पहले अपनी एक सेपरेट पूरी वीडियो बना करके बताई है कि ट्री में अगर आप कोकोज़ के ट्री लगाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जब भी कहीं आपके फार्म पे अगर खाली स्पेस है, जैसे ये समझ लीजिए कि मेरे पास ये है, तो इससे क्या होगा कि आप अपने उस खाली स्पेस में जो है वो कोकोज़ ट्री लगाते रहिए, और उनको लगाने से एक तो आपको कोकोज़ आप फ्रूट बेचेंगे तो उससे आपको एक्सपी भी मिलेगी और कॉइन भी मिलते हैं। जब भी हम फ्रूट निकालते हैं ट्री पे से तो हमें एक्सपी मिलती है, और जब हम फ्रूट सेल करते हैं तो हमें उससे कॉइन मिलते हैं। तो इससे कॉइन भी बहुत ज़्यादा आपको मिल सकते हैं। अगर आप एक या दो बार पूरे फार्म के ऊपर अगर आप कोकोज़ की ट्री लगा करके और उसको अगर आप सेल कर देते हैं तो आपका कॉइन लेवल बहुत बढ़ जाएगा। तो आप ये काम भी कर सकते हैं, और जब लास्ट में वो ट्री जब सूख जाते हैं तो उसको हेल्प जब हम करते हैं उसकी, यानी कि वाटरिंग जब हम करते हैं, तो उससे भी हमें एक्सपी मिलती है। तो ये भी एक तरीका होता है। इसके बाद फिर अगर हम देखें कि और क्या चीज़ कर सकते हैं, तो वो है माइनिंग। अगर आप माइनिंग करते हैं तो माइनिंग करने से देखिए हमें ये ऑर्स मिलते हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं ये स्टार भी मिल रहे हैं, यानी कि ये हमें एक्सपी भी मिलती जा रही है। तो माइनिंग आप खूब किया कीजिए। माइनिंग करने से आप इसको सेल करेंगे, ऑर्स को सेल करेंगे, इससे भी आपको मिलेगा, और देखिए डायमंड भी मिलते हैं। अभी भी मुझे एक डायमंड मिला है। तो माइनिंग करते रहने से हमें भी एक्सपी का फ़ायदा भी होता है, और दूसरी कई चीज़ों का फ़ायदा भी होता जाता है। जैसे कॉइन अगर आप लेना चाहते हैं तो इनको सेल करके कर लें, या फिर अगर आप इनको अपने इसमें बनने के लिए रख देते हैं स्मेल्टर में, तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। इनको कोई भी मशीन हो उसको आप बिल्कुल भी खाली मत छोड़िए, लगातार उसको काम पर लगाते रहेंगे, तो इससे आपका जो है वो फार्म के ऊपर कॉइन भी बहुत बने रहेंगे और एक्सपी भी जो है बहुत अच्छे से बनी रहेगी। इसके बाद अगर हम देखें तो डर्बी हमें लगातार खेलते रहना चाहिए। डर्बी खेलने से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सी बार हम नहीं चाहते हुए भी हमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने होते हैं, बहुत सारा काम हमें करना होता है, जैसे फिशिंग करनी है या हेल्प टास्क आ जाता है तो वो कम्प्लीट करना है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उसके ज़रिए भी एक्सपी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो होता ये कि हम ये देखते हैं कि अभी कोई इवेंट तो चल नहीं रहा है, छोड़ो अभी हम क्यों कुछ वो जो है वो ऐसा कुछ करें,
तो ये चीज़ें हम डर्बी के जरिए जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो आप डर्बी ज़रूर खेला करिए। और अभी जो लेटेस्ट अभी जो चल रहा है इस नए अपडेट के बाद से, आपने देखा होगा कि ये जो फार्म पास जो है हमें मिलता है, इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा एक्सपी मिलती है। देखिए कॉइन भी मिलते हैं बहुत ज़्यादा और एक्सपी भी मिलती है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग से, ये देखिए 77,000 एक्सपी हमें यहाँ मिली थी। यहाँ पे हमें देखिए ये कॉइन मिल रहे हैं, ये एक हेल्प का वो मिला है हमें जी, और ये देखिए इसमें लगातार हमें चीज़ें मिलती रहती हैं। तो आप ये जो डेली के गोल्स जो हैं उनको आप कंप्लीट किया कीजिए, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा और साथ ही एक्सपी भी मिलेगी। तो इससे आपका लेवल जो है वो तेज़ी से बढ़ेगा। और सबसे मेन चीज़ है कि आप ट्रक इवेंट या इस तरह का जब भी एक्सपी वीक आता, सबसे मेन चीज़ तो यही है। तो ये तो आप हर हाल में क्या कीजिए, जैसे ही आपको लगता है कि ये इस तरह का इवेंट आ गया है, आप उसको तुरंत पूरा कीजिए। मैंने कल लगभग आई थिंक 162 या ऐसे कुछ ट्रक मैंने कल भेजे थे। मैं यहाँ पे जाकर के, जो बिल्कुल नए हैं वो यहाँ जाकर के देख सकते हैं। देखिए मोस्ट ट्रक डिलीवर्ड वन डे 162, मैंने कल 162 ट्रक जो है वो डिलीवर्ड किए थे। और आज भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ट्रक जो है वो मैक्सिमम मैं इनको डिलीवर्ड कर सकूँ। और उसके बाद ही आपको पता है कि इसके बाद बोट इवेंट भी आने वाला है और उसके अंदर भी हमें 2x एक्सपी ही मिलेगी। तो आप इसके अंदर तो अभी कर ही रहे हैं, इसके अलावा आप बोट इवेंट में भी पूरी कोशिश कीजिए, अपनी खुद की बोट जो है उसको रवाना कीजिए। और इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी पूरी अच्छे से कीजिए, इससे आपको एक्सपी मैक्सिमम मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सिंपल से तरीके बताए हैं लेवल अप तेज़ी से करने के या लेवल अप फास्ट करने के। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका लेवल जो है वो बहुत तेज़ी से अप होगा और साथ एक्सपी बढ़ेगी, कॉइन भी आपको अच्छे से मिलती जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसी तरीके से अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए और सब्सक्राइब शेयर और लाइक करते रहिए। थैंक यू।